मुर्दाबाद 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 वो तो हम एक है। शराब माफिया राजनेता कटजोर मुर्दाबाद 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 राजनेता बालू माफिया कटजोर मुर्दाबाद। आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। आप देख सकते हैं जितने भी लेफ्ट के विधायक हैं सदन परिसर में हंगामा शुरू कर दिए हैं और पिछला दिन था वो भी हंगामेदार रहा था और आज सदन की शुरुआत जो है हंगामे के साथ हो गई है। कई मुद्दों के लेके जो माले के विधायक हैं लेफ्ट के विधायक हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं विधायकों से जानते हैं सर आज का प्रदर्शन किस तरह। पिछले बार पूरा बिहार पुलिस राज में तब्दील हो गया है। गया जिला के आढ़तपुर में पुलिस ने महिलाओं को बच्चियों को हाथ बांध करके बैठाया, घंटों बैठाया, उनको जेल के अंदर भेज दिया केवल बालू माफियाओं के संरक्षण के लिए। तो हमारा मांग है कि गया के एसपी पर कार्रवाई हो और इसी तरह से पूरे बिहार में शराब माफियाओं का बोलबाला है और ये नीतीश कुमार जी केवल शराब पर बात बोल करके नाटक कर रहे हैं। तो इन सवालों को हम लोग उठाएंगे बिहार विधानसभा के अंदर और हम चाहेंगे कि ये जो नीतीश बाबू जो ये गुंडा राज चला रहे हैं, पुलिस राज माफिया राज चला रहे हैं, ये बंद हो और इसी के खिलाफ हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन जारी है और हमारे साथ एक और विधायक हैं, इनके पहले तख्ती को देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है बिहार को 1990 के पहले वाले दौर में ले जाने की साजिश नहीं चलेगी। सर इस तख्ती का मतलब क्या है, क्या इसका मतलब? यह साफ है कि 1990 से पहले में जो नारा लगता था पुलिस सामंत गठजोड़ मुर्दाबाद, आज ठीक आज जब हम 22 में खड़े हैं तो आज भी पूरी तरह से बिहार का फिगर यह है। जैसे आप बोले कि गया का जो इस तरह से महिलाओं को हाथ बांध कर माने पीटा गया, तो इसमें साफ था कि उस घटना में पुलिस सम्मिलित थी, वहाँ के स्थानीय भूस्वामी सम्मिलित था, ठेकेदार सम्मिलित था। इस तरह से शराब माफियाओं को भी आप देखेंगे तब वो गरीबों पर हमले हो रहे हैं, उसमें पुलिस से शराब माफियाओं के साथ मिला हुआ है, शराब माफिया उनके साथ मिला हुआ है। ये सारे स्थिति 90 के दौर के दौर में ले जाने की कोशिश है और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 90 के दौर में मत ले जाइए बिहार को। बिहार इसके लिए लड़ेगा और लड़कर फिर बिहार का निर्माण करेगा, आपसे भी लड़ेगा। बिल्कुल, एक विधायक जो और हैं इनसे हम बात करते हैं, जीरादेई से हैं ये। किन किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज तो मुख्य रूप से बिहार के भीतर लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। बिहार सरकार लगातार दावा कर रही है कि बिहार में शराब बंद है, कानूनी रूप से सरकार की घोषणा भी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सरकार के ही संरक्षण में, अफसरों के संरक्षण में थानों के द्वारा शराब का बड़े बड़े खेप लाए जा रहे हैं और धड़ल्ले से शराब बिक्री हो रहा है। शराबबंदी पूरी तौर पर फेल है, इसके बावजूद जगह जगह जहरीली शराब से मौत हो रही है। हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि जितने लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो लोग जिस क्षेत्र में शराब से मौत हुई है वहां के डीएम और एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए। बिहार सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तौर पर फेल है, हत्याएँ रोज हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और गरीबों को पीटा जा रहा है, गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये पूरी तौर पर एक तरह से कहा जाए तो बिहार के अंदर कानून व्यवस्था फेल है और नीतीश सरकार का एक बाल ख़त्म हो चुका है। इसलिए हम लोग सरकार से आज विधानसभा के भीतर भी यह मांग करेंगे कि लाइन ऑर्डर को ठीक करें और नहीं तो यह आंदोलन और लड़ाई जारी रहेगा, बढ़ेगा। जिस तरह प्रदर्शन का दौर जारी है, पहले दिन से ही प्रदर्शन लगातार जारी रहा, आज तीसरा दिन है और आज मुख्य रूप से जब सदन की शुरुआत होगी तो प्रश्न काल के साथ सदन की शुरुआत होगी, उसके बाद शून्य काल होगा, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर वाद विवाद होगा। तो फिलहाल बजट सत्र की तस्वीरें हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पटना से अभिषेक सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।